नमस्कार। कल हम लोगों ने डक्टलस ग्लैंड्स के बारे में चर्चा प्रारंभ की थी। थोड़ा सा विवरण इंट्रोडक्टरी रूप में थायराइड का भी किया गया था। हमारे चिकित्सक विकेश महाजन, अदिति त्रिपाठी, विजय सैनी, विनय मित्तल, प्रशांत ससाने, गौरव शाह, आशीष, विजय सैनी, विनय मित्तल, अंकिता जी, उषा तबानी आदि चिकित्सक उपस्थित हो गए हैं। जैसा मैं कह रहा था, कल डक्टलेस ग्लैंड के बारे में थोड़ा चर्चा की थी। उसके अलावा संक्षिप्त में थायराइड ग्लैंड के बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था। बहुत डिटेल चर्चा हम नहीं करेंगे ग्लैंड्स के बारे में, जो आवश्यक चीज़ें हैं उसी बारे में चर्चा करेंगे। पहले प्रश्न के उत्तर ले लेते हैं। डॉक्टर रजनीश शर्मा जी ने पूछा है, गोघृत ही उपयोगी है या और भी घृत ले सकते हैं? तो वास्तव में देखा जाए तो उपयोगिता की दृष्टि से, लाभालाभ की दृष्टि से गोघृत श्रेष्ठ है। लेकिन जैसा आपने कहा कि हमारे एरिया में देसी गाय नहीं मिलती है, तो आप जर्सी गाय जो है उसके दूध का भी जो निकाला हुआ घृत है उसका प्रयोग कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो भैंस के घृत का भी प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन श्रेष्ठता की जहाँ तक बात है, वो गोघृत ही श्रेष्ठ है। डॉक्टर रजनीश शर्मा, उन्होंने ऑस्टियोपोरोसिस के ट्रीटमेंट के बारे में जानना चाहा है। पेशेंट पंचकर्म के लिए तैयार नहीं है, तो ऑस्टियोपोरोसिस में हम संशमन चिकित्सा क्या कर सकते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस में बाह्य अभ्यंग और षष्ठकशाली श्वेद, बाह्य अभ्यंग और षष्ठकशाली श्वेद, षष्ठकशाली श्वेद मैंने आपको शायद बताया होगा, एक बार मैं फिर चर्चा कर लेता हूं। अश्वगंधा, शतावरी और बलामूल, ये तीनों के तीन मिल जाए तो बहुत अच्छा, दो मिले तो दोनों ही को आप ले लें। इसका काढ़ा तैयार कर लें लगभग 400 ml, और 400 ml इसमें दूध मिला दें, टोटल 800 ml हो गया। इसमें 100 ml अलग कर लें और 700 ml में साली चावल पका लें। साली चावल 60 दिन में पैदा होने वाला चावल, ये काफ़ी कॉस्टली होता है। इसकी जगह हम उड़द, तिल, चावल और चोकर, आटे का चोकर, ये चारों चीज़ बराबर बराबर मात्रा में 30-30 ग्राम ले लीजिए चारों, और ये 700 ml जो दुग्ध और काढ़ा मिला हुआ तैयार है उसमें पाक कर लीजिए। साली चावल मिल जाते हैं तो साली चावल लगभग 100 ग्राम लेकर पाक कर लीजिए और अच्छा पकाइए। पकाने के बाद फिर हाथ से अच्छी तरह उसको मसलिए चावलों को, और बिल्कुल पेस्ट जैसा तैयार कर लीजिए, और फिर इसकी दो पोटली बना लीजिए। इन पोटलियों को जो 100 ml आपने बचाया था काढ़ा और दुग्ध, उसको धीमी आंच में गर्म करें, और ये जो पोटली बनाई आपने इस काढ़े और दूध में भिंगो करके, जो उष्ण है, उष्ण हो रहा है लगातार, डुबो डुबो करके पूरे शरीर में अनुलोम गति से मालिश करें। यह लगभग 40 से 45 मिनट एक घंटे तक क्रिया चल सकती है। जितना उसमें द्रव है वो धीरे धीरे बाहर निकलेगा। षष्ठकशाली श्वेत करने के पहले बाह्य अभ्यंग कराना जरूरी है। ऐसे पेशेंट में अश्वगंधा बलादि तेल से अभ्यंग कराइए, अभ्यंग करने के बाद फिर षष्ठकशाली श्वेत कराइए। इसमें पंचतिक्त क्षीर वस्ती बहुत ही लाभदायक है ऑस्टियोपोरोसिस में। पंचतिक्त क्षीर वस्ती
इसका बनाने का तरीका फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। इसमें चिरायता, कुटकी, गिलोय, मुस्तक और परपट प्रत्येक 40-40 ग्राम ले लीजिए, लगभग 200 ग्राम ये हो जाएगा टोटल। यो कोट करिए और इसमें 1600 ml पानी डालिए और धीरे धीरे पका के जब 400 ml चेंज बच जाए, चौथाई 400 ml शेष रह जाए, तब तक इसको पकाइए। इस 400 ml में दुग्ध 200 ml डाल दीजिए और धीरे धीरे दुग्ध शेष रहने तक पकाइए। जब दूध शेष रह जाए, 200 ml शेष रह जाए, तब इसको छानिए। छानने के बाद इसमें अश्वगंधा घृत या पंचतिक्त घृत 50 ml, शायद 50 ml, सैंधव 5 ग्राम मिलाकर ये बस्ती दीजिए। ये बहुत ही उपयोगी ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट्स के लिए होगा। इसमें ये लगातार ही आप दे सकते हैं पंचतिक्त क्षीर बस्ती, इसमें अनुवासन देने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी यदि देनी ही पड़े, कोई आवश्यक पड़े ऐसी अवस्था में, पंचतिक्त घृत की क्षीर बस्ती आप दे सकते हैं, अनुवासन बस्ती दे सकते हैं। कम से कम 21 बस्तियां आप लगाएं। ये कोई जरूरी नहीं है कि एक अनुवासन एक स्थापन आप लगाएं जो कर्म काल योग में जो वर्णित है। मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि जो कोर्स बताए गए हैं बस्तियों के, वो जो प्रारंभिक स्तर पर अध्ययन कर रहे हैं, BMS स्तर पर अध्ययन कर रहे हैं, उनके लिए ये सिद्धांत बता दिया। लेकिन बुद्धिमान और विद्वान वैद्यों के लिए तो पेशेंट की अवस्था देख करके इन बस्तियों का क्रम चलाना चाहिए। यह ध्यान रहे कि लगातार निरुह देने से वायु की वृद्धि हो सकती है और लगातार अनुवासन बस्ती देने से कफ की वृद्धि हो सकती है। ये आप ध्यान में रख करके आप बस्ती करें तो ये पंचतिक्त क्षीर बस्ती लगभग 20-21 दिन तक जरूर देवें। इससे निश्चित रूप से रोगी को आराम प्राप्त होगा। औषधियों में मुक्ता पुराल पंचामृत 125 मिलीग्राम, गिलोय सत्य 250 मिलीग्राम, योगेंद्र रस 60 मिलीग्राम, ये एक मात्रा है। ऐसी दिन में दो मात्राएं च्यवनप्राश के साथ, ब्राह्मी अवलेह के साथ इसका सेवन कराएं। इसके अलावा चरक में एक ऑस्टियो लीफ करके टेबलेट है चरक कंपनी की, वो दो दो गोली दिन में 3 बार देवे ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशन में। इसके अलावा बलारिष्ट और अश्वगंधारिष्ट, बलारिष्ट 2 चम्मच, अश्वगंधारिष्ट 2 चम्मच, 4 चम्मच पानी भोजन के बाद इसका सेवन कराएं। लाक्षाद्य गुल और महायोगराज गुल दो दो गोली दिन में 2 बार पेशेंट को दें। तो ये अगर आप चिकित्सा क्रम रखते हैं तो पेशेंट में निश्चित रूप से आराम होगा। इसके अलावा तिल, सफ़ेद तिल 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम को अच्छी तरह चबा चबा करके सेवन करिए। सफ़ेद तिल में कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, इसका सेवन आप लगातार पेशेंट में कराएं। कुकुंडांड त्वक भस्म आता है, उसका भी 250 मिलीग्राम दिन में 2 बार या दिन में 3 बार शहद के साथ सेवन कराएं। तो समग्र ट्रीटमेंट आप करेंगे तो निश्चित रूप से रोगी को निश्चित रूप से आराम प्राप्त होगा। डॉक्टर उषा तभानी पेशेंट है उनका, उनके बैक में स्मॉल वार्ट्स हो गए हैं, खुजली भी बहुत होती है, आसपास का एरिया ब्लैक हो गया है, क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए? वार्ट्स को आयुर्वेद में चर्मकील कहा जाता है, चर्मकील। ऐसे पेशेंट में संशोधन कराएं, पहले वमन फिर विरेचन,
अगर वमन ना करा पाए तो सिर्फ विरेचन करा दें। आभ्यंतर स्नेहपान पंचतिक्त घृत का, सम्यक स्नेह लक्षण प्राप्त होने पर 3 दिन स्वेदन कराएं। और फिर विरेचन, विरेचन के लिए मैं हमेशा बताता हूँ कुटकी, अमलतास, त्रिवर्त और छोटी हरण, प्रत्येक को 20-20 ग्राम लेके काढ़ा बना लीजिए 100 ml, और इसमें 30-40 ml कैस्टर ऑयल मिला करके विरेचन दे दीजिए। ये मैं बार बार आपको पंचकर्म के लिए बोलता हूँ, किसी भी प्रकार के व्यापक होने की संभावना नहीं है। ये OPD स्तर में भी आप चिकित्सा कर सकते हैं, बशर्ते पेशेंट की काउंसलिंग इस प्रकार करिए कि वो आपके प्रभाव क्षेत्र में आ जाए और जो आप बोले वो ही करे। जैसे आपके पास हॉस्पिटल नहीं है, पेशेंट को भर्ती नहीं कर सकते हैं, तो पेशेंट को बोलिए कि आप छुट्टी लेके घर में रहिए और घर में दिन भर की जो चर्या है वो निश्चित कर दें। दिन में 2-3 बार आप टेलीफोन से चर्चा करें ताकि पेशेंट का आत्मविश्वास आपके साथ बना रहे। तो ये सारे कर्म आप करा सकते हैं, और जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही एक्सपीरियंस्ड योग है। आपको शायद मालूम नहीं होगा, मेरा सबसे पहले 73 में पंचकर्म लेक्चरर में अपॉइंटमेंट हुआ था, तब से मैं चिकित्साकार 73 से चिकित्साकार कर रहा हूँ। उसके बाद लेक्चरर पंचकर्म, रीडर पंचकर्म, और उसके पास प्रोफेसर काय चिकित्सा, और फिर 10 साल तक प्रिंसिपल रहा, तब भी मैंने कभी चिकित्सा नहीं छोड़ी। तो जो मैं योग आपको बताता हूँ अनुभव सिद्ध है, किसी भी प्रकार के व्यापद होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। इसका प्रयोग आप करें जो मैं बता रहा हूँ आपको। कोई शंका कुशंका हो तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। विरेचन करने के पश्चात कांचनादि गुगुलु आरोग्य वर्धनी 2-2 गोली दिन में 2 बार, या कांचनादि गुगुलु पंचनिम बटी 2 गोली दिन में 2 बार। ज़्यादा खुजली हो तो टैबलेट टैक्सीमा 2 सुबह 2 शाम आप दे सकते हैं। लास्ट में तो निश्चित रूप से यह शस्त्रक्रिया के द्वारा इस कील को निकाल दिया जाता है, वार्ट्स को निकाल दिया जाता है। अगर वो संभव न हो तो आप अग्निकर्म या क्षार कर्म के द्वारा भी वार्ट्स को ठीक कर सकते हैं। ये कोई बहुत भयंकर व्याधि नहीं है। आप संशोधन कराने के पश्चात सिर्फ औषधियाँ ही दीजिए, जैसा मैंने बताया आपको, महामंजिष्ठादिक्वाद सारिवाद्यासो 2-2 चम्मच और 4 चम्मच पानी भोजन के बाद दोनों टाइम पेशेंट को दें तो वार्ड्स में, और यह सार्वधिक हो सकती है, एक जगह है हो सकता है, इसलिए आभ्यंतर जो औषधियां हैं उनको लेना तो आवश्यक है। बार बार टच ना करें उसको, जहां पर वार्ड्स हुआ है बार बार टच करेंगे तो स्टिमुलेशन होगा और रोगी को वो तकलीफ बढ़ जाएगी। डॉक्टर विकास विश्वकर्मा, उन्होंने मधुमेह में गोघृत का उपयोग करें अथवा नहीं, तो आपको मालूम है मधुमेह का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। यदि स्थौल्य हो, बलवान व्यक्ति है, रोग बल है, रोगी बल ठीक है, ऐसी अवस्था में संशोधन कराना चाहिए। और जब आप संशोधन भवन विरेचन कराएंगे तब आभ्यंतर स्नेहपान आपको करना ही पड़ेगा। तो गोघृत से गोघृत को मूर्छित कर लीजिए, मूर्छित करने के बाद आप गोघृत का सेवन कर सकते हैं। मूर्छन के लिए बहुत ही सिंपल विधि मैं आपको बताता हूं पंचकर्म की दृष्टि से। नींबू पत्र, हरिद्रा मजीठ और त्रिफला, नींबू पत्र, हरिद्रा मजीठ और त्रिफला, ये बराबर बराबर मात्रा में ले लीजिए। मान लीजिए 100 ग्राम द्रव्य है तो इसका अच्छी तरह कल्क बना लीजिए, और 400 ml घृत या तेल, ये 100 ग्राम औषधियाँ डाल करके उसको पका लीजिए। जब बर्ती बनने लगे तो छान लीजिए, ये मूर्छन संस्कार हो गया। और यदि क्लासिकल मूर्छन संस्कार कराने जाएंगे तो उसमें लगभग 15 से 20 दिन समय लगेगा, और लगभग 62-63 औषधियाँ हैं,
तो वो जब कोई हम तैल का निर्माण करते हैं उस विधि को पालन करना पड़ेगा। लेकिन मूर्छन संस्कार सिर्फ आभ्यंतर स्नेह पान के लिए करना है, ऐसी अवस्था में आप इसी का प्रयोग कर सकते हैं। तो मूर्छन संस्कार कराने के पश्चात गोघृत का सेवन बिल्कुल किया जा सकता है, और इसमें कोई हाँ अगर संशमन योग्य पेशेंट नहीं है, ऐसी अवस्था में संशोधन नहीं कराना है, वहाँ गोघृत देने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि गोघृत जो दिया दे रहे हैं आप वो पूर्व कर्म के रूप में दे रहे हैं। स्थूला प्रमेय ही बलवान है कह कृषस्थ ही कह परिदुर्बलस्य संब्रह्म तत्व कृषस्य कार्यम संशोधन दोष बलाधिकस्य। लेकिन संशोधन ना हरति यह प्रमेय ही तस्य क्रिया संसमनी प्रयोज्या मंथा कसाया यवचूर्ण ले प्रमेह शांति लघुस्य भक्षा। बलवान व्यक्ति है तो निश्चित है स्निग्धस्य योगा विविधा प्रयोज्या कल्पोपदृष्टे मल शोधनाय ऊर्ध्वम तथा अधस्य मले पिनेते मेहेषु संतर्पणम एव कार्यम। तो बलवान व्यक्ति में आप संशोधन जब कराते हैं तो आभ्यंतर स्नेहपान में गुरुघृत का सेवन आप बिल्कुल नहीं संकोच आप कर सकते हैं। डॉक्टर विजय सैनी इन्होंने पूछा है दीपन पाचन के लिए पंचकोल क्वाथ के साथ समन चिकित्सा दे सकते हैं। बहुत ही प्रैक्टिकल प्रश्न है क्योंकि पेशेंट बहुत तकलीफ में आता है। आप कहेंगे हम 5 दिन संसमन पहले दीपन पाचन देंगे, फिर वमन कराएंगे, फिर विरेचन कराएंगे, संसर्जन कर्म कराएंगे, उसके पश्चात औषधि देंगे। नहीं, एज ए चिकित्सक आप प्रारंभ दिन से ही संसमन औषधियाँ देना चालू कर दें। आप कोई रिसर्च नहीं कर रहे हैं वमन पर या विरेचन पर, तो आप दीपन पाचन औषधियाँ देते हुए साथ में संसमन औषधियाँ भी दे दें। और वैसे भी पंचकोल भी इटसेल्फ संसमन चिकित्सा, दीपन पाचन तो है ही, लेकिन आम का पाचन करने से निश्चित है, मैंने जैसा पहले अपने व्याख्यान में कहा, लगभग प्रत्येक रोग पहले आमावस्था में ही होते हैं, चाहे वातज रोग हो, चाहे प्रवाहिका हो, ग्रहणी हो, कोई भी हो, अतिसार हो, तो आम स्वरूप होने के कारण पहले दीपन पाचन देना चाहिए। और फिर जैसे सोरियोसिस का पेशेंट है, अब उसको बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, बहुत ज़्यादा शुष्कता है, तो उसको संशमन औषधियाँ और वाह्य लेप 777 आदि या इम्यूसप्योरा या करंज तेल निम तेल का मालिश लगा सकते हैं। मालिश तो नहीं करना चाहिए, लगाना चाहिए। तो संशमन औषधियों का प्रयोग नहीं संकोच आप दीपन पाचन जब आप देते हैं तो निश्चित रूप से आप कर सकते हैं। डॉक्टर वरुण शाह ये हमारे कार्यक्रम से शायद नए जुड़े हुए हैं, बंगाल से हैं, कार्यक्रम की तारीफ कर रहे हैं, सबको नमस्ते कर रहे हैं। आप इसी प्रकार जुड़े रहिए और कोई यदि प्रश्न आपके समझ में आता है तो अच्छी बात है, आप जरूर पूछिए। जिस विषय में व्याख्यान देता हूँ उस पर भी प्रश्न है तो आप जरूर पूछिए, या कोई भी प्रश्न आपके मन में आता है आयुर्वेद से संबंधित तो आप पूछिए। तो आपका वरुण शाह, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। डॉक्टर पवन श्री पाकला इन्होंने थायराइड की स्वेलिंग, एक्सटर्नल स्वेलिंग, बाहर दिखता है थायराइड, आपने देखा होगा कई पेशेंट का गले में थायराइड बढ़ा हुआ रहता है, लेकिन थायरोक्सिन से संबंधित कोई विकृतियां पेशेंट में नहीं होती। ऐसा ही इनका पेशेंट है पाकला जी का, सिर्फ स्वेलिंग है और सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है, यानी थायरोक्सिन या आयोडीन थायरोइन नाम की जो T3-T4 जो इंजाइम्स हैं जो कि थायरॉयड ग्लैंड से निकलती हैं और जिसके कारण विकृतियां उत्पन्न हो सकती हैं, वैसे लक्षण रोगी में नहीं है, अर्थात स्वेलिंग है। तो गले में निश्चित भारीपन लगता है, कई बार खाने में भी तकलीफ हो सकती है, तो ऐसी अवस्था में आपको क्या लेना है? ऐसी अवस्था में आप पहले तो विरेचन करा दीजिए। विरेचन में त्रिफला घृत से या मूर्छित तिल तेल से अभ्यंतर स्नेहपान करा दीजिए। सम्यक स्नेह के लक्षण मिलने के बाद 3 दिन स्वेदन करिए और फिर विरेचन करिए। विरेचन में कुटकी, निशोत, अमलतास और हरड़, छोटी हरड़,
ये 20-20 ग्राम लेकर इसका काढ़ा बना के और इसमें 40 ml एरंड तेल डाल के विरेचन करा दिए। विरेचन कराने के बाद फिर संसर्जन क्रम, और संसर्जन क्रम करने के बाद वस्ति प्रारंभ करिए, और इसमें लेखन वस्ति बहुत ही इफेक्टिव रहेगी। विरेचन के 9वें दिन से आप ये वस्ति दे सकते हैं। इसमें है त्रिफला, नागरमोथा, सुंठी, गिलोय और वायवेडंग, ये 5 औषधियां हैं। ये सब आप 40-40 ग्राम ले लीजिए, लगभग 200 ग्राम हो जाएगा। इसमें 1200 ml पानी डाल करके 300 ml शेष रहने तक पका लीजिए, और इस काढ़े में गोमूत्र 50 ml, शहद 50 ml, यवक्षार 10 ग्राम, सैंधव 5 ग्राम मिला करके विधिवत वस्ती, लेखन वस्ती लगातार आप दीजिए। आवश्यकता पड़े तो दशमूल तेल की भी अनुवासन वस्ती इसमें दे सकते हैं। कम से कम काल वस्ती तो जरूर करें, 16 वस्ती तो जरूर लगाएं, और इसके बाद एक हफ्ते गैप करने के बाद फिर से 16 वस्ती लगाएं। वस्ती कोर्स होने के बाद फिर कुछ औषधियां भी सेवन करें, जैसे कांचनादी और गोक्षुरादि गुगुलु, 2-2 गोली दिन में 2 बार प्रतिदिन, और ये 1-2 साल तक दवाइयां चलती हैं, तब रोगी को आराम मिलता है। मेरे रिश्तेदारी में एक पेशेंट है, उसकी 6 महीने से ट्रीटमेंट चल रही है, और जो शोथ गले में थी वो धीरे धीरे कम हो रही है। तो धैर्यपूर्वक चिकित्सा करनी पड़ेगी। इसके अलावा इसमें गोक्षुर, पुनर्नवा, मकोय, त्रिफला और शतावरी, इनका बारीक चूर्ण कर लीजिए, और 1-1 चम्मच दिन में 2 या 3 बार पानी के साथ सेवन कराएं। आसवारिष्ट में अभ्यारिष्ट 4 चम्मच पानी भोजन के बाद देवें, तो जो आपका थायराइड बढ़ी हुई है, स्वेलिंग है, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। खाने पीने में परहेज रखिए, खट्टी चीज़ें, तली मली चीज़ें, और बार बार गले को छूना ये बिल्कुल एकदम से मना कर दीजिए। तो इस प्रकार ये जो मैंने लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बताई आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको 3 महीने के अंदर परिणाम मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। डॉक्टर विजय सैनी, इन्होंने घृत पाक की विधि पूछी है, जो मैं बार बार बोलता हूं कि स्वयं घृत का निर्माण करना चाहिए, तैलों का निर्माण भी स्वयं करना चाहिए। तो घृत कैसे निर्माण करेंगे, कैसे पकाएंगे, औषधियों से कैसे सिद्ध करेंगे? मान लीजिए आपको पंचतिक्त घृत बनाना है, तो जैसे मैंने बताया पंचतिक्त की औषधियां चिरायता, कुटकी, गिलोय, मुस्तक और परपट, अब इनको आप 50-50 ग्राम ले लीजिए, तो ये टोटल लगभग 250 ग्राम हो जाएंगे। इसमें 8 गुना पानी डालिए, ये समझ लीजिए कि जितना द्रव्य है उसका 8 गुना या 16 गुना पानी डालते हैं। अगर 200 ग्राम औषधियां हैं तो लगभग 1200 ml पानी डालना पड़ेगा, या 1600 ml डाला है तो 400 ml शेष रहने तक इसको पकाना है, 1200 ml डाला है तो 300 ml होने तक इसको पकाना है। चतुर्थांश, अब इस काढ़े को छान लीजिए। अब जितना काढ़ा है, मान लीजिए काढ़ा आपका 400 ml है, तो उसमें 100 ml घृत या तेल इस काढ़े में डाल दीजिए, और फिर धीरे धीरे इसको पकाइए, जब तक तेल अथवा घृत शेष ना रहे तब तक धीरे धीरे पकाइए। फिर इसका परीक्षण करिए, क्योंकि 3 प्रकार का पाक होता है, मृदु पाक, मध्य पाक और कठिन, यानी मृदु, मध्य
और जो उत्तम प्रकार का होता है। तो जब जो काढ़ा आप धीरे धीरे पकाएंगे तो बिल्कुल वो सूख जाता है और उसकी बढ़ती बनने लगती है। आप देखेंगे चम्मच के बल निकालें और आप ऐसे बढ़ती बनाएं तो बढ़ती बनेगी, तो समझ लीजिए ये मध्यपाक है। या थोड़ा से हाथ में घी लेकर के या तेल लेकर के आग में छिड़किए, जब चट-चट की आवाज आती रहे तो समझ लीजिए अभी घृतपाक नहीं हुआ है। ये ध्यान रहे कि पानी यदि थोड़ा भी बचा रहेगा तो परेशानी हो सकती है। इसलिए मृदुपाक, मध्यपाक और खरपाक के हिसाब से आप इसको पका सकते हैं। तो मैं संक्षिप्त में फिर से बता दूं, एक भाग औषधि, 12 भाग या 16 भाग पानी, चतुर्थांश शेष रहने तक पाक करिए, और जितना काढ़ा हो उसका चतुर्थांश तैल या घृत डालिए उसमें चतुर्थांश, और धीरे धीरे पका करके जब तैल या घृत शेष रहे अर्थात 100 ml शेष रहे तब तक पकाइए। परीक्षण कर लीजिए मृदुपाक है, मध्यपाक है, खरपाक है, चट-चट आवाज आना बंद हो जाए तब तक इसको पाक कर लिए। इसके बाद छानिए, ठंडा करिए, ठंडा हो जाए फिर इसको पैकिंग कर लीजिए। याद रहे यदि पानी थोड़ा सी भी शेष है तो ये फिर बाद में एक आध महीने के अंदर अंदर वो खराब हो जाता है, गंध दुर्गंध आने लगती है। तो ये मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कैसे बनाना है। मोहम्मद साहिद ये हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और हमेशा सीखने की लालसा रखते हैं, कार्यक्रम की तारीफ की है और आप जुड़े रहते हैं कार्यक्रम से। आप सबको खास तौर से हमारे मोहम्मद शाहिद जी को बहुत बहुत नमस्कार, इसी तरह जुड़े रहें। डॉक्टर भारत ठोक इनमें गुल्म की चिकित्सा के बारे में जानना चाहा है। गुल्म के बारे में एक पूरा व्याख्यान मैं लूंगा इसके आगे आने वाले दिनों में, लेकिन फिर भी चिकित्सा समझने के लिए आप थोड़ा से ध्यान दीजिए। सभी गुल्म वात प्रधान होते हैं। कफो वाते जित प्राय पित्तम शोणितम वेवा यदि कुपते वात से क्रिया माणे चिकित्सिते यथोलबण से दोष से तत्कारम भिजितम आधा अवंते च मध्य च मारुता परिरक्षिता। वायु प्रमुख इसमें होता है, इसलिए वायु की रक्षा करते हुए अनुबंध दोष की चिकित्सा पेशेंट को करनी चाहिए। तो सर्वप्रथम स्नेहन स्वेदन करना है, अनुवासन और आस्थापन वस्ति का प्रयोग करना है, अग्निबल की रक्षा करना है। इसके अलावा अगर वातज उन्माद है तो स्नेहन शोधन करने के पश्चात वस्तियां लगाना चाहिए, मृदु शोधन करना चाहिए। पैतृक है तो स्नेहन शोधन करने के पश्चात विरेचन कराना चाहिए। कफज है तो वमन और विरेचन दोनों कराना चाहिए। और यह ध्यान रहे कि वायु की रक्षा हमको हमेशा करना चाहिए। वायु को रक्षा करते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। वातज गुल्म में वमन करने का भी उल्लेख है, हालांकि गुल्म में वमन नहीं कराना चाहिए, लेकिन कहा है चरक ने वात गुल्म में कफो वृद्धो हत्तो अग्नि अरुचे मेधि हल्लासम गौरम तंद्रा जनयत उल्लेख हितुतम। यदि वातज गुल्म में कफ के लक्षण उपलब्ध हों तो ऐसी अवस्था में पेशेंट में वमन करा देना चाहिए। पैतृक गुल्म की 3 अवस्थाएं होती हैं, आमावस्था, पक्वावस्था, पश्चिमानावस्था। गुरु कठिन समुस्थानो गूढ़ मास अंतराश्रय अविवरणा स्त्रचे हे पक्वम गुल्म मुचिते दाह कंडु रुजाराग परितम लोम पिंजरम दाह शूलार्थी संक्षोभ स्वप्नास्त्र जुड़े विदही मानम जानियात गुल्मम तम उपनाहेत विदाह लक्षणे गुल्मे वहिस्तुंगे समुनते श्यावे सरक परिंते समुस्पर्शे वस्ति सन्नभे निपीड़ो उन्नते स्तब्धे तत्पार्श्व पीड़नाथ तत्रय पिंडते शूले संपक्वम गुल्मम आदिशेत। आमावस्था, पश्चिमानावस्था और पक्वावस्था देख करके चिकित्सा रोगी में करना चाहिए। इसके अलावा लहसुनादि क्षीर, लहसुन से क्षीर को सिद्ध कर लीजिए, ये बहुत ही उपयोगी
गुलमुखी संदर्भ में है, इसका पान कराइए। इसके अलावा पंचमूल क्वाथ, वरुणादि क्वाथ आदि का सेवन बहुत ही उपयोगी है। औषधियों में, रस औषधियों में गुल्म काला नल रस, गुल्म काला नल रस 250 मिलीग्राम, सूलगज केसरी रस 125 मिलीग्राम, अग्नि कुमार रस 125 मिलीग्राम। ये पुड़ियाँ दिन में 2-3 बार शहद के साथ देवें, चाहे वो वातज पित्तज कफज कोई भी गुल्म हो, उन सब में ये लाभकारी सिद्ध होगा। इसके अलावा हिंगवादी भट्टी, कांकायन भट्टी 2-2 गोली दिन में 2 बार गर्म पानी के साथ दीजिए। चूर्ण में शिवाक्षार पाचन चूर्ण, हिंगोष्टक चूर्ण, इन चूर्णों का प्रयोग आप दिन में 2 बार 5 ग्राम की मात्रा में कर सकते हैं। निश्चित है पेशेंट को इसमें आराम प्राप्त होगा। तो इस संक्षिप्त में मैंने गुल्म की चिकित्सा बताई। गुल्म के बारे में तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, आगे आने वाले दिनों में गुल्म के बारे में हम अलग से चर्चा जरूर करेंगे। तो इस तरीके से जो प्रश्न आए थे उनका मैंने उत्तर देने का प्रयास किया है, आशा है आप सेटिस्फाइड होंगे। हमारे अन्य जो प्रिय चिकित्सक हैं जो शुरू से अंत तक जुड़े रहते हैं, ऐसे डॉक्टर संतोष शर्मा जी, प्रकाश सिंह जी, राजेंद्र कुंद्रा जी, रजनी शर्मा जी, विकास विश्वकर्मा जी, डॉक्टर अदिति त्रिपाठी जी, आशुतोष कुमार जी, मनोरंजन साहू जी, डॉक्टर अवधेश कुमार जी, वरुण शाह जी। वरुण जी ने कहा है कि मैं प्रतिदिन योग करता हूँ, चलिए बहुत अच्छी बात है। मैं भी करीब 1 से 1.5 घंटे प्रतिदिन आसन करता हूँ, लगभग 70 आसन, पूरे प्राणायाम और अन्य जो योग से संबंधित चीज़ें जैसे सूर्य नमस्कार वो भी करता हूँ। तो आप करते हैं, बहुत अच्छी बात है। उग्रसेन चैला जी, सोनल पटेल जी, वंदना पाठक जी, संजय जी, अश्विनी कुमार साहू जी, रविंद्र सागर जी, सविता पाटिल जी, ज्योति बाला डामोर जी, डॉक्टर बलविंदर सिंह, डॉक्टर आरबी प्रजापति, वैद्य आरबी प्रजापति, सोलंकी गुप्ता जी, विनय मित्तल जी, प्रदीप मानवी जी, अरुण शर्मा जी, संजीव कुमार, माधव मिश्रा जी, आशीष सेमवाल, वेद पारिक जी, धर्मेंद्र सिन्हा जी, सुनील रातोरी जी, आयुष दर्पण के डॉक्टर नवीन जोशी जी, रेणु पांडे जी, विकास महाजन, नीतू सिंह। नीतू सिंह ने तारीफ की है कि आपका एक्सप्लेनेशन एंडोक्राइन के बारे में बहुत अच्छा है। बहुत ही संक्षिप्त रूप में मैं चर्चा करता हूँ, ताकि बहुत ज़्यादा यदि थ्योरिटिकल हम पढ़ाना चालू करें या बोलना चालू करें तो निश्चित रूप से आप बोर हो जाएंगे। इसका मैं ध्यान रखता हूँ, क्योंकि मैं स्वयं एक चिकित्सक हूँ। सोलंकी गुप्ता जी, सुकुमार जोशी जी, अवंतिका सिंह जी, शैलेश गुप्ता जी, हरजीत सिंह, अर्चना वर्मा जी और हमारे मित्र निश्चित रूप से कार्यक्रम सुन रहे होंगे, डॉक्टर विनोद वैरागी जी जो आप सबको किताबें उपलब्ध कराते हैं और हमेशा अपने कार्य के प्रति सजग रहते हैं, ऐसे विनोद वैरागी जी। कल जैसा मैंने चर्चा की थी कि थायराइड ग्लैंड जो है यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है। थायराइड से T3 और T4 नामक एंजाइम स्रवित होता है और उसके अलावा ये जो थायरोक्सिन है वो चयापचय में विशेष रूप से महत्व रखता है। इसके बारे में कल चर्चा कर चुके हैं। कल हम निश्चित रूप से इंडोक्राइन ग्लैंड से संबंधित हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में चर्चा करेंगे। अब आइए, आज का विषय है प्रवाहिका। प्रवाहिका भी बड़ी कष्टसाध्य व्याधि है और बहुत आयत में प्राप्त होती है, जिसको हम डिसेंट्री आधुनिक मतानुसार से कह सकते हैं। आचार्य चरक और वाग्भट ने प्रवाहिका का पृथक से वर्णन नहीं किया है।
चरक ने कफाधिसार और आमाधिसार के अंतर्गत प्रवाही को प्रवाहिका को अंतर्भाव कर लिया है। आमे परिणते यशु विबद्धम अधिसारते ससूलम पिच्छा अल्पा अल्पम बहुशा सब प्रवाहिकम लोड़िकाया सपाठाया शुष्क साकेन वा पुनः दज दारिम सिद्धेन बहु स्नेन भोजे। तो इस तरीके से चरक ने अतिसार के अंतर्गत इसका अंतर्भाव चरक चिकित्सा स्थान 19 में किया है। आचार्य सुश्रुत ने अवृद्ध भागवत ने और माधवकार ने प्रवाहिका का स्वतंत्र और विस्तृत वर्णन किया है। प्रवाहिका का जो प्रत्यात्म लक्षण है वह है प्रवाहण, जोर लगा के मल प्रवृत्ति करना। जब बार बार प्रवाहण युक्त थोड़ी थोड़ी मात्रा में कफ युक्त मल त्याग होता है, मल की जो मात्रा है बड़ी कम होती है लेकिन कफ की मात्रा ज़्यादा होती है और प्रवाहण करना पड़ता है, ताकत लगाना पड़ता है। कई बार पेट में ऐंठन होती है क्योंकि प्रवाहितो अल्पम बहुशो मलागतम प्रवाहिकाम ताम प्रवदन तक गया है। प्रवाहण करना और ऐसा अनुभव होना कि मल हमारा पूरी तरीके से निकला नहीं है, बार बार जाने की इच्छा होती है, ये मुख्य लक्षण प्रवाहिका का है। निदानों में देखें तो अतिसार के जो निदान बताए गए हैं वो सब निदान इसमें भी लागू होते हैं। इसके अलावा अहित आहार विहार, वात कफ दोष वर्धक आहार का सेवन, उष्ण तीक्ष्ण तिल तिलपिष्ट और मिष्ठान अधिक मात्रा में खाना, दूध की बनी हुई चीज़ें अधिक खाना, इससे प्रवाहिका रोग हो सकता है। इसकी संप्राप्ति देखें तो अहित आहार विहार का सेवन जैसा ऊपर चर्चा की हमने, अहित आहार विहार के सेवन करने से कोष्ठ में कफ का संचय होता है और जब प्रकृपित वायु बार बार कफ को निकालने के लिए प्रेरित करता है तब प्रवाहण करने पर थोड़ी थोड़ी मात्रा में बार बार मलयुक्त कफ गुदमार्ग से निकलता है, इस तरीके से प्रवाहिका की उत्पत्ति होती है। वायु प्रबद्धो निचितम बलासम नुदत्त धस्ताधस्तादनस्य प्रवाहितो अल्पम बहुशो मलागतम प्रवाहिकामताम प्रवदन्ति तक्याः। ये इसके संप्राप्ति है। लक्षणों में देखें अल्पमल के साथ अधिक मात्रा में कफ का निकलना, मल कम और कफ अधिक, प्रवाहण युक्त, कभी कभी मल त्याग के साथ रक्त की प्रवृत्ति भी हो सकती है। इसके चार भेद हैं, वातज पित्तज कफज और रक्तज। ग्रहणी रक्तज नहीं होती है लेकिन प्रवाहिका रक्तज, चार भेद होते हैं। वातिक ग्रहणी में रूक्ष द्रव्यों का अधिक सेवन करने से शूल सहित प्रवाहण होता है, उसे वातिक प्रवाहिका कहते हैं। पैतिक प्रवाहिका में उष्ण तीक्ष्ण औषधियों के सेवन करने से दाह युक्त प्रवाहण युक्त मल का निकलना, ये पैतिक है। कफज में स्निग्ध और मधुर द्रव्यों के अधिक सेवन करने से कफ युक्त मल का प्रवाहण सहित बाहर निकालना, यह कफज है। रक्तज प्रवाहिका में तीक्ष्ण उष्ण द्रव्यों का सेवन करने से रक्त युक्त प्रवाहण सहित मल प्रवृत्ति होती है, यह रक्तज प्रवाहिका है। तो इस तरीके से चार प्रकार की प्रवाहिका का वर्णन प्राप्त होता है। अतिसार में और प्रवाहिका में क्या अंतर है, कभी कभी ये मन में आता है। अतिसार में अधिक मात्रा में मल निकलता है, क्षरण होता है, धातु का क्षय भी होता है इसमें, लेकिन प्रवाहिका में कफ का निष्कासन अधिक होता है, प्रवाहण युक्त होता है और धातु का क्षरण इसमें बहुत ही कम मात्रा में होता है। प्रवाहिका वातकर्ता ससूला पित्तात् सदाह सकफा कफाच ससोणित सोणित संभवाचा ताह स्नेह रूक्ष प्रभा मतास्तु। तो इस प्रकार से चार प्रकार का प्रवाहिका शास्त्रों में वर्णन है। इनके लक्षणों को ज्ञान करके दोष का ज्ञान किया जाता है
और उसके डोज के आधार पर हम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इसकी फिक्स करते हैं। चिकित्सा में आए तो अतिसार की चिकित्सा में जो दवाइयाँ उपलब्ध होती हैं, जो औषधियों का हम प्रयोग करते हैं, उनका युक्तिपूर्वक प्रवाहिका में भी प्रयोग करना चाहिए। प्रवाहिका की यदि आमावस्था हो, श्लेष्मा ज़्यादा निकल रहा हो, जिसको सामान्य भाषा में आँव बोलते हैं, आँव पड़ना, ऐसी अवस्था में लंघन पाचक द्रव्यों से पहले चिकित्सा करनी चाहिए। तो इसके लिए पंचकोल चूर्ण या पंचकोल काढ़ा या त्रिकट चूर्ण दिन में दो बार पेशेंट को लगभग 7 दिन तक सेवन कराएं। इससे दीपन पाचन होगा और आम नष्ट होगा। इसके अलावा त्रिकटु से सिद्धित दुग्ध का सेवन कराना चाहिए। शूल होने पर यदि वेदना ज़्यादा है, ऐसे में स्थापन बस्ती देते हैं और इसमें 10 मूल क्वाथ 400 ml बना लीजिए। इसमें 200 ml दूध डालिए, दूध शेष रहने तक पका लीजिए, खीर पाक कर लीजिए और इस 200 ml खीर में शहद 50 ml और सैंधव 5 ग्राम डाल करके ये बस्ती दें। इससे जो शूल होता है प्रवाहिका में वो एकदम शांत हो जाएगा। आम दोष बहुत मात्रा में हो, ऐसी अवस्था में स्तंभक औषधियों का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। ऐसी अवस्था में मृदु विरेचन देना चाहिए। इसके लिए कैस्टर ऑयल सर्वश्रेष्ठ है। 40 ml कैस्टर ऑयल प्रातःकाल गर्म पानी के साथ या दूध के साथ सेवन करा दीजिए, जिससे आम जो है वो बाहर शरीर से निकल जाएगा। वातज प्रवाहिका हो तो 10 मूल से सिद्धित दुग्ध द्वारा 10 मूल सिद्धित दुग्ध द्वारा सिद्धित तैल की अनुवासन वस्ती देनी चाहिए। यानी आप समझ गए, पहले 10 मूल से सिद्ध कर लीजिए दुग्ध को और जो दुग्ध प्राप्त हुआ उससे आप तिली तैल सिद्ध कर लीजिए और इसकी अनुवासन वस्ती 30 ml भोजन के बाद देना है। तत्काल रोगी में आराम होता है वातज प्रवाहिका में। अगर रक्तज प्रवाहिका हो तो पिच्छा वस्ती देना चाहिए। पिच्छा वस्ती में बेर के पत्ते 20 नग, नागबला 20 ग्राम, सेमल 20 ग्राम, मुलहटी 20 ग्राम, इनका काढ़ा बना लीजिए। मान लीजिए 400 ml काढ़ा बनाया आपने तो 200 ml दूध डाल लीजिए, दूध शेष रहने तक इसको पकाइए, ये खीर सिद्ध हो गया। और इस खीर जो आपने सिद्ध किया है, खीर पाक करने के पश्चात इसमें लगभग 30 ml शहद डाल दीजिए और ये 11 बस्तियाँ लगभग देवें। इससे ब्लड जो है आना तुरंत बंद हो जाता है। ये है पिच्छा बस्ती। वेदना और मूत्र कृच्छ हो, दाह हो और ज्वर हो, वेदना मूत्र कृच्छता दाह और ज्वर होने पर मुलहटी 50 ग्राम, नीलोफर 50 ग्राम, 200 ml काढ़ा बनाइए और इसमें दुग्ध 30 ml, शहद 30 ml मिला करके आप वस्ती दीजिए। तत्काल पेशेंट में आराम प्राप्त होगा। जब वेदना मूत्रकक्ष दाह हो तब मुलैठी 50 ग्राम, नीलोफर 50 ग्राम, 200 ml काढ़ा बनाइए, इसमें दुग्ध 30 ml, शहद 30 ml और सैंधव नमक 5 ग्राम मिला के वस्ती दीजिए। निरोग वस्ती देना है। इसमें आप घृत भी मिला सकते हैं, गोघृत 30 ml और लगभग 11 बस्ती जरूर दीजिए, तो वेदना मूत्र कृच्छता दाह ज्वर में आराम प्राप्त हो जाएगा। अब आइए संशमन चिकित्सा में। तो एक चूर्ण में बता रहा हूँ, बहुत ही उपयोगी है, अनुभव सिद्ध है। पाठा, अजवाइन, कुटज, कमल, शुंठी और पिपली,
इनको प्रत्येक को बराबर बराबर मात्रा में लेके बारीक चूर्ण कर लीजिए, कपड़ छण झूर तैयार कर लीजिए और एक एक चम्मच पेशेंट में 3 बार पिलाइए पानी के साथ। आप देखेंगे 7 दिन के प्रयोग से प्रवाहिका में तत्काल आराम प्राप्त होगा। रस औषधियों में रस परपटी 250 मिलीग्राम, अग्निकुमार रस 125 मिलीग्राम और बिल्व चूर्ण 2.5 ग्राम, यह एक खुराक है। ऐसे दिन में 3 बार पानी के साथ इसका सेवन कराएं या शहद के साथ भी इसका प्रयोग कराएं तो अच्छा है। दूसरा योग है रामबाण रस 125 मिलीग्राम, अग्निकुमार रस 125 मिलीग्राम, प्रवाल पिष्टी 250 मिलीग्राम, यह शहद के साथ दिन में 2 या 3 बार पेशेंट में सेवन कराएं। चूर्णों में जाति फलादि चूर्ण या बिल्वादि चूर्ण या गंगाधर 3 चूर्ण हैं, इसमें श्रेष्ठ है बिल्वादि चूर्ण 5 ग्राम दिन में 2 बार, या जाति फलादि दे रहे हैं तो ये भी 5 ग्राम, गंगाधर दे रहे हैं तो ये भी 5 ग्राम, और अकेले नाक के शर चूर्ण देने से भी प्रवाहिका ठीक होती है। बार बार जो मलब प्रवृत्ति होती है वो जाना बंद होता है। बटियों में कोटज घन बटी, जाति फलादि बटी और संजीवनी बटी बारी बारी से एक एक हफ्ते के अंतर्गत से देवें। काढ़ों में वत्सकादि क्वाथ बहुत ही उपयोगी है, 30 ml खाली पेट में दोनों टाइम देवें। आसोरिष्ट में कुटजारिष्ट और पिपल्यासो, कुटजारिष्ट पिपल्यासो और तक्रारिष्ट, कुटजारिष्ट 2 चम्मच, तक्रारिष्ट 2 चम्मच, 4 चम्मच पानी और भोजन के बाद दोनों टाइम दे सकते हैं। जब आप तक्रारिष्ट नहीं दे पाते या कई बार नहीं मिलता है तो ऐसी जगह में पिपल्यासो का सेवन आप करा सकते हैं। प्रवाहिका में निश्चित रूप से निदान परिवर्जन बहुत आवश्यक है। खान पान में ज़्यादा तीखी चीज़ें लेना, दूध मिठाई मावा आदि का सेवन, मिठाइयों का ज़्यादा सेवन करना और लड्डू आदि जो गरिष्ठ अभिसंधि भोजन है वो बिल्कुल पेशेंट को नहीं करना चाहिए। हल्का आहार लघु आहार पेशेंट को देना चाहिए, तभी पेशेंट में लाभ प्राप्त होगा। यदि निदान का परिवर्जन पेशेंट नहीं करता है तो चाहे जितना ट्रीटमेंट करिए पेशेंट को लाभ नहीं प्राप्त होता है। तो मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबने धैर्यपूर्वक सुना, आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय आयुर्वेद।